नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक और नई वीडियो पर स्वागत है। सो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि आप अपना या फिर किसी का भी नया वोटर आईडी कार्ड किस प्रकार से बनवा सकते हैं, जिसमें कि दोस्तों आपको कहीं पर भी जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप घर बैठे ही अपने मोबाइल फोन के माध्यम से ऑनलाइन अप्लाई कर करके अपना या फिर किसी का भी नया वोटर आईडी कार्ड बनवा सकते हैं। तो जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि अभी इलेक्शन चल रहे हैं, जिसमें कि अगर आप अब वोटर आईडी कार्ड के लिए ऑनलाइन अप्लाई करते हैं तो सिर्फ 8 से 10 दिन के अंदर में आपका वोटर आईडी कार्ड बना करके बाई पोस्ट आपके घर पर पहुंचा दिया जाएगा। तो अभी तक कि अगर आपने अपना वोटर आईडी कार्ड के लिए अप्लाई नहीं किया हुआ है, या फिर काफी बार आप अप्लाई कर चुके हैं आपका वोटर आईडी कार्ड नहीं बना है, तो आज ही अपने मोबाइल फोन के माध्यम से अप्लाई कीजिए। आपका 8 से 10 दिन में आपका वोटर आईडी कार्ड बन करके आपके घर पहुंचा दिया जाएगा। तो किस प्रकार से आपको अपना वोटर आईडी कार्ड के लिए ऑनलाइन अप्लाई करना है, क्या प्रोसेस वाला है, कंप्लीट जानकारी इस वीडियो में आपको देने वाला हूं। तो वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा फ्रेंड्स। वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर क्लिक कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे यूजफुल कंटेंट मैं आपके लिए लाता रहता हूं। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको अपना या फिर किसी का भी वोटर आईडी कार्ड बनाने के लिए आपको वोटर आईडी कार्ड की ऑफिशियल पोर्टल यानी कि voters.eci.gov.in की ऑफिशियल पोर्टल पर आपको आ जाना है। इस पोर्टल का डायरेक्ट लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उस पर क्लिक करके भी आप डायरेक्ट इस पोर्टल पर आप आ सकते हैं। इस पोर्टल पर आने के बाद दोस्तों, यहां से आप काफ़ी सारे वर्किंग आप कर सकते हैं, जैसे कि आप नया वोटर आईडी कार्ड बना सकते हैं, वोटर आईडी कार्ड को डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर आप अपना वोटर आईडी कार्ड को सर्च कर सकते हैं, या फिर आपने अपना नया वोटर आईडी कार्ड बनवाया हुआ है और उसका स्टेटस को ट्रैक करना चाहते हैं तो यहीं से आप ट्रैक कर सकते हैं। उसके साथ में ही अगर आपके वोटर आईडी कार्ड में कोई करेक्शन होना है, जैसे कि आपके वोटर आईडी कार्ड में एड्रेस चेंज होना है, मोबाइल नंबर चेंज होना है, कोई भी करेक्शन होना है, तो वो भी आप इसी पोर्टल से कर सकते हैं। तो अब मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ कि किस प्रकार से आपको नया वोटर आईडी कार्ड बनवाना है, जिसमें कि दोस्तों आपका जो नया वोटर आईडी कार्ड है वो 8 से 10 दिन में बन करके बाई पोस्ट आपके घर पर पहुंच जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं लॉगिन और साइन अप। सिंपली आपको साइन अप बटन पर क्लिक कर देना है। अगर आप फर्स्ट टाइम इस पोर्टल को यूज कर रहे हैं तो सबसे पहले यहाँ पर आपको साइन अप बटन पर क्लिक करना है। अगर आप पहले से यहाँ पर साइन अप कर चुके हैं, पहले आप यूज कर चुके हैं, तो आपको लॉगिन बटन पर क्लिक करना है। बट मैं यहाँ पर नए लोगों के लिए भी बता देता हूँ, जिन्होंने पहली बार इस पोर्टल को यूज कर रहे हैं उनको साइन अप बटन पर क्लिक कर देना है। साइन अप पर क्लिक करते ही दोस्तों यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है, यहाँ पर आपको ईमेल आईडी डालनी है। अगर आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं, ये ऑप्शनल है, जरूरी नहीं है ईमेल आईडी आप दे ही दे। अगर आपके पास नहीं है तो आप ब्लैंक भी आप इसे छोड़ सकते हैं, बट आपको मोबाइल नंबर देना जरूरी है। उसके बाद मैं यहाँ पर आपको इसी कैप्चा को फिलअप कर देना है और कंटिन्यू बटन पर क्लिक कर देना है। कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद मैं यहाँ पर आपको अपना फर्स्ट नेम डालना है। फर्स्ट नेम डालने के बाद मैं यहाँ पर आपको लास्ट नेम डालना है। अब यहाँ पर आपको एक पासवर्ड को क्रिएट कर लेना है। पासवर्ड को क्रिएट करने के बाद मैं यहाँ पर आपको एक बार फिर से कन्फर्म पासवर्ड डालना है। कन्फर्म पासवर्ड डालने के बाद सिंपली आपको रिक्वेस्ट ओटीपी पर क्लिक कर देना है। जैसे ही दोस्तों यहाँ पर आप रिक्वेस्ट ओटीपी पर क्लिक करेंगे तो आपने जो भी मोबाइल नंबर डाला हुआ होगा उस मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी भेजा जाएगा। उस ओटीपी को यहाँ पर आपको फिलअप कर देना है। ओटीपी फिलअप करने के बाद सिंपली आपको वेरीफाई बटन पर क्लिक कर देना है। वेरीफाई बटन पर क्लिक करते ही दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं यू आर सक्सेसफुली साइन अप, काइंडली लॉग इन विद योर न्यू क्रेडेंशियल। मतलब कि यहाँ पर आपका जो अकाउंट है वो बन करके रेडी हो चुका है, अब आपको लॉग इन बटन पर क्लिक कर देना है। लॉग इन पर क्लिक करते ही दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं रजिस्टर मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और ईपिक नंबर। मतलब कि यहाँ पर आप अपना मोबाइल नंबर डाल सकते हैं, अपनी ईमेल आईडी डाल सकते हैं, या फिर आप अपना वोटर आईडी कार्ड का नंबर आप डाल सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने अपना मोबाइल नंबर डाल देता हूँ। मोबाइल नंबर डालने के बाद मैंने जो भी पासवर्ड को क्रिएट किया हुआ था वही पासवर्ड यहाँ पर आपको डाल देना है। पासवर्ड डालने के बाद यहाँ पर आपको कैप्चा फिलअप करना है। कैप्चा करने के बाद सिंपली आपको रिक्वेस्ट ओटीपी पर क्लिक कर देना है। रिक्वेस्ट ओटीपी पर क्लिक करते ही दोस्तों यहां पर आपने जो भी मोबाइल नंबर डाला होगा उस मोबाइल नंबर पर एक बार फिर से ओटीपी आएगा। उस ओटीपी को यहां पर आपको फिलअप कर देना है। ओटीपी फिलअप करने के बाद सिंपली आपको वेरीफाई एंड लॉगिन पर क्लिक कर देना है। वेरीफाई एंड लॉगिन पर क्लिक करते ही दोस्तों यहां पर आप देख सकते हैं यहां पर आपका नाम आ जाएगा, जो कि आपने जिस भी नाम से प्रोफाइल बनाई हुई होगी वही नाम यहां पर शो होकर के आ जाएगा। अब आपको किस प्रकार से नया वोटर आईडी कार्ड बनाना है तो मैं यहां पर आपको बता देता हूं। तो यहां पर देख सकते हैं न्यू रजिस्ट्रेशन फॉर जनरल इलेक्टोरल्स के बाद में दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं फिल फॉर्म 6। सिंपली आपको इस पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद में दोस्तों यहाँ पर आपके सामने एक फॉर्म खोल करके आ जाएगा। स्टेप बाय स्टेप आपको इस फॉर्म को फिलअप कर लेना है। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं स्टेप ABCDEF, मतलब कि यहाँ पर सभी स्टेप्स को वन बाई वन आपको फिलअप कर देना है और उसके बाद में आपका जो वोटर आईडी कार्ड होगा वो बन करके रेडी हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर आपको वन बाई वन बता देता हूँ कि किस प्रकार से आपको इस फॉर्म को फिलअप करना है। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं सबसे पहले आपको स्टेट को सिलेक्ट
कर लेना है। स्टेट को सिलेक्ट करने के बाद में यहाँ पर आपको डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करना है। डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करने के बाद में दोस्तों यहाँ पर आपको अपनी कंसिस्टेंसी, असेंबली कंसिस्टेंसी यानी कि विधानसभा को यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर लेना है। विधानसभा सिलेक्ट करने के बाद में दोस्तों यहाँ पर आपको स्क्रॉल करना है और आपको नेक्स्ट बटन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पर क्लिक करते ही दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं आपका जो ए स्टेप है वो फिलअप हो चुका है, यहाँ पर टिक मार्क लग करके आ चुका है। अब यहाँ पर आपको पर्सनल डिटेल्स बी स्टेप में आपको पर्सनल डिटेल्स को फिलअप कर देना है। यहाँ पर आपको अपना फर्स्ट नेम डाल देना है। फर्स्ट नेम डालने के बाद में जैसे ही यहाँ पर आप इंग्लिश में फर्स्ट नेम डालेंगे आपका हिंदी में ऑटोमेटिक फिलअप होकर के आ जाएगा। अब देख सकते हैं अपलोड फोटोग्राफ अनसाइंड एंड पासपोर्ट साइज कलर फोटोग्राफ, जिसका साइज यहाँ पर आप देख सकते हैं 4.5 सेंटीमीटर बाई 3.5 सेंटीमीटर होना चाहिए। और शोइंग फ्रंट व्यू ऑफ फुल फेस विद व्हाइट बैकग्राउंड, आपका जो आपके फोटो का जो बैकग्राउंड होना चाहिए वो व्हाइट होना चाहिए। और जो मैक्सिमम और यहाँ पर जो आपके डॉक्यूमेंट का साइज होना चाहिए वो मैक्सिमम 2 MB का होना चाहिए, जो कि JPG या फिर JPEG फॉर्मेट में होना चाहिए। तो मैं यहाँ पर फोटो को अपलोड कर देता हूँ। तो जैसे ही दोस्तों यहाँ पर आप फोटो को सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर आपको जूम या फिर रोटेट करने के लिए बोला जाएगा। तो यहाँ पर आपको कुछ भी नहीं करना है, यहाँ पर आपको सेव बटन पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर मेरा जो फोटो है वो यहाँ पर डिटेक्ट सक्सेसफुली हो चुका है। यहाँ पर आपको ओके कर देना है। ओके करने के बाद में यहाँ पर आपको नेक्स्ट बटन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद में दोस्तों यहाँ पर आप सी स्टेज पर आ जाएंगे। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं नेम एंड सरनेम ऑफ एनी ऑफ द रिलेटिव। अब यहाँ पर आपके वोटर आईडी कार्ड में जो रिलेटिव का नाम आएगा वो किन का आप देना चाहते हैं, अपने फादर का देना चाहते हैं, मदर का देना चाहते हैं, या फिर हस्बैंड का देना चाहते हैं, या वाइफ का देना चाहते हैं। तो यहाँ पर आपको अपने हिसाब से सिलेक्ट कर लेना है। मैं यहाँ पर हस्बैंड का सिलेक्ट कर लेता हूँ और उसके बाद मैं यहाँ पर उनका नाम डाल देता हूँ। नाम डालने के बाद में जैसे ही यहाँ पर मैं आगे बढ़ूंगा तो यहाँ पर ऑटोमेटिक हिंदी में नाम आ जाएगा और यहाँ पर आपको नेक्स्ट बटन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद में दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं आप डी स्टेज पर आ चुके हैं। अब यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर सेल्फ या फिर रिलेटिव का मोबाइल नंबर है वो यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर लेना है। अब यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर डाल देना है। मोबाइल नंबर डाल देने के बाद में यहाँ पर आपको ईमेल आईडी डालनी है, अगर आपके पास हो तो डाल सकते हैं, अदरवाइज यहाँ पर आप इसे ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं। ईमेल आईडी डालने के बाद में यहाँ पर आपको नेक्स्ट बटन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद में यहाँ पर आप देख सकते हैं आप आधार डिटेल्स। अब यहाँ पर आपको आधार डिटेल्स डाल देनी है। यहाँ पर आपको आधार नंबर पर सिलेक्ट कर देना है या फिर आप यहाँ पर देख सकते हैं आई एम नॉट एबल टू फर्निश माई आधार नंबर बिकॉज आई डोंट हैव आधार नंबर। अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है, आधार नंबर नहीं है तो यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर देना है। अगर आपके पास आधार कार्ड डिटेल्स है, आधार कार्ड है तो यहाँ पर आपको आधार नंबर पर सिलेक्ट कर देना है और यहाँ पर आपको आधार नंबर डाल देना है। आधार नंबर डालने के बाद में यहाँ पर आपको नेक्स्ट बटन पर क्लिक कर देना है और यहाँ पर आपको जेंडर सिलेक्ट करना है, फिर से यहाँ पर आपको नेक्स्ट करना है। अब यहाँ पर आपको डेट ऑफ बर्थ को सिलेक्ट कर लेना है। डेट ऑफ बर्थ को सिलेक्ट करने के बाद में दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं सेल्फ अटैच्ड कॉपी ऑफ डॉक्यूमेंट सपोर्टिंग एज प्रूफ अटैचमेंट। अब यहाँ पर आपने जो डेट ऑफ बर्थ दी हुई है उसके लिए आप क्या डॉक्यूमेंट देना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर लेना है। जैसे कि देख सकते हैं डॉक्यूमेंट ऑफ प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ और यहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट कर लेना है। मैं यहाँ पर आधार कार्ड को सिलेक्ट कर लिया है। उसके बाद में आपका जो आधार कार्ड है उस आधार कार्ड की फोटो को आपको अपलोड कर देना है। डेट ऑफ बर्थ प्रूफ में आधार कार्ड को अपलोड करने के बाद में दोस्तों यहाँ पर आपको नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करने के बाद में दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रेजेंट एड्रेस डिटेल्स। अब आपकी कंप्लीट एड्रेस डिटेल्स को यहाँ पर आपको फिलअप कर देना है। हाउस नंबर, एरिया, लोकलिटी और विलेज टाउन यहाँ पर आपको डालने के बाद में यहाँ पर आपको पोस्ट ऑफिस को फिलअप कर देना है और यहाँ पर आपको अपना पिन कोड को फिलअप कर देना है। पिन कोड डालने के बाद में यहाँ पर आपको तहसील को डाल देना है। आपकी जो भी तहसील आती है वो यहाँ पर आपको फिलअप कर देना है। तहसील को फिलअप करने के बाद आपको स्क्रॉल करना है। स्क्रॉल करने के बाद में यहाँ पर आपको डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट कर लेना है। आपका स्टेट यहाँ पर ऑटोमेटिक सिलेक्ट होकर के आ जाएगा। अब यहाँ पर आपको एड्रेस प्रूफ दे देना है। एड्रेस प्रूफ के लिए यहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट फॉर प्रूफ ऑफ रेजिडेंस को सिलेक्ट कर लेना है और यहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट कर लेना है। कौन सा आप एड्रेस प्रूफ के लिए कौन सा डॉक्यूमेंट देना चाहते हैं, जैसे कि आपका वाटर पानी का बिल हो, बिजली का बिल हो, गैस का कनेक्शन का बिल हो, या फिर आधार कार्ड या करंट पासबुक या इंडियन पासपोर्ट या कुछ भी यहाँ पर आप लगा सकते हैं। मैं यहाँ पर आधार कार्ड दे देता हूँ। आधार कार्ड सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपको चूज फाइल पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको अपना आधार कार्ड अपलोड कर देना है। आधार कार्ड अपलोड करने के बाद आपको नेक्स्ट बटन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कैटेगरी ऑफ डिसेबिलिटी इफ एनी ऑप्शनल। अब आपके में कोई डिसेबिलिटी है तो यहाँ पर आपको डिसेबिलिटी दे देनी है। अगर यहाँ पर आपके पास कोई भी डिसेबिलिटी नहीं है तो यहाँ पर आपको इस कॉलम को ब्लैंक छोड़ देना है और नेक्स्ट बटन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद में यहाँ पर आप देख सकते हैं 10वें नंबर पर अगर आपके फैमिली मेंबर में किसी का वोटर आईडी कार्ड बना हुआ है तो यहाँ पर उनकी डिटेल्स को आप दे सकते हैं, देना चाहें तो दे सकते हैं, अदरवाइज आप इसे ब्लैंक छोड़ सकते हैं और यहाँ पर आपको नेक्स्ट बटन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद में यहाँ पर आपको अपना विलेज टाउन डाल देना है। उसके बाद में यहाँ पर आपको स्टेट सेलेक्ट करना है। स्टेट सेलेक्ट करने के बाद में यहाँ पर आपको डिस्ट्रिक्ट डालना है। डिस्ट्रिक्ट डालने के बाद में यहाँ पर आप देख सकते हैं आई एम ऑर्डिनरली अ रेजिडेंस
एट द एड्रेस मेंशन अ सेक्शन 8A इन फॉर्म 6 सिंस। यहाँ पर आपको आज की डेट डाल देनी है। आज की डेट डालने के बाद में यहाँ पर आपको स्क्रॉल करना है। स्क्रॉल करने के बाद में यहाँ पर आपको अपना प्लेस डाल देना है, जो कि आपको प्लेस जो भी हो वो यहाँ पर आपको डाल देना है, और आपको नेक्स्ट बटन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद में दोस्तों यहाँ पर आपको कैप्चा फिलअप करना है। कैप्चा फिलअप करने के बाद में यहाँ पर आपको सेंड ओटीपी पर क्लिक कर देना है। सेंड ओटीपी पर क्लिक करते ही दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं ओटीपी सेंड सक्सेसफुली, और यहाँ पर आपका मोबाइल नंबर शो होकर के आ जाएगा। जो भी आपने ऊपर मोबाइल नंबर डाला हुआ था उस मोबाइल नंबर पर ओटीपी भेजा जाएगा। उस ओटीपी को यहाँ पर आपको फिलअप कर देना है। ओटीपी को फिलअप करने के बाद में सिंपली आपको प्रीव्यू एंड सबमिट पर क्लिक कर देना है। प्रीव्यू एंड सबमिट पर क्लिक करते ही दोस्तों यहाँ पर आपकी कंप्लीटली डिटेल्स होकर के आ जाएगी, जिसमें कि आपका फोटो आ जाएगा, यहाँ पर आपकी कंप्लीट डिटेल्स होकर के आ जाएगी। तो यहाँ पर आपको एक एक करके सभी को रीड यहाँ पर आपको कर लेना है, कहीं पर आपने कोई मिस्टेक तो नहीं की है, कंप्लीटली आपको रीड कर लेना है। अगर यहाँ पर आपको कोई मिस्टेक नजर आती है तो यहाँ पर आपको फिर से इसी में एडिट कर लेना है। यहाँ पर कीप एडिटिंग पर आप क्लिक करेंगे तो यहीं से आप एडिट भी कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर कम्प्लीटली जो डिटेल्स है वो कम्प्लीटली सही भरी हुई है, इसलिए मैं यहाँ पर आपको सबमिट बटन पर क्लिक कर देता हूँ। सबमिट पर क्लिक करते ही दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं आर यू श्योर यू वॉन्ट टू सबमिट दिस फॉर्म, तो यहाँ पर आपको यस कर देना है। यस करते ही दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं योर एप्लीकेशन हैज बीन सबमिट सक्सेसफुली एंड जनरेट रेफरेंस नंबर इज, यहाँ पर आपका रेफरेंस नंबर शो हो करके आ जाएगा। यू कैन Use this reference number for any future reference. अब आगे आपका जो वोटर आईडी कार्ड है वो 8 से 10 दिन में बनकर के बाय पोस्ट आपके घर तक पहुंच जाएगा, क्योंकि अभी इलेक्शन का टाइम चल रहा है, इसलिए जल्दी से जल्दी वोटर आईडी कार्ड बनकर के आपके घर पर पहुंचाए जा रहे हैं। अगर आपका वोटर आईडी कार्ड नहीं बन पाता है तो इसी रेफरेंस नंबर से आप अपने वोटर आईडी कार्ड को ट्रैक भी कर सकते हैं। और यहाँ पर देख सकते हैं डाउनलोड एक्नोलेजमेंट स्लिप, तो यहाँ पर आपको इस पर क्लिक करना है। करते ही दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर पीडीएफ डाउनलोड होकर के आ चुकी है, जिसमें कि मेरे यहाँ पर जो एक्नोलेजमेंट स्लिप है वो डाउनलोड होकर के आ चुकी है। अब यहाँ पर मेरा जो वोटर आईडी कार्ड है वो अप्लाई हो चुका है, और 8 से 10 दिन में वोटर आईडी कार्ड बन करके मेरे घर पर बाय पोस्ट पहुंच जाएगा। तो इसी प्रकार से दोस्तों आप अपना या फिर किसी का भी वोटर आईडी कार्ड को ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, और जल्दी से जल्दी अपना या फिर किसी का भी वोटर आईडी कार्ड बनवा सकते हैं, जिसमें कि आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, आप किसी का भी वोटर आईडी कार्ड बना सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो काफी पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर क्लिक कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे यूजफुल कंटेंट मैं आपके लिए लाता रहता हूँ। और दोस्तों अगर आप मेरे से कुछ पूछना चाहते हैं या फिर कोई सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, या फिर आप मेरे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो मिलते हैं दोस्तों अगली और नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद जय भारत।